दोस्तों नमस्कार, सभी खटीक भाइयों को राम राम। आपके इस चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति में एक कमेंट करके एक सवाल पूछा गया था, उसी सवाल का जवाब देने आज मैं इस चैनल पर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो कमेंट में सवाल पूछा गया था कि क्या पहाड़िया खटीक केरल में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन है पहाड़िया खटीक और भारत के किन किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। राजस्थान से पूर्व सिंध पाकिस्तान तक खटीक जाति की एक ऐसी वंशावली पहाड़ियों पर रहती है जो वहां के कठिन वातावरण में भी अपने आप को जीवित रखती है। अब मैं अपने खटीक भाइयों को तो याद दिला दूं कि जहां कठिन होगा वहां खटीक होगा। पहाड़िया खटीक अपना जीवन यापन पशुपालन, लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट आदि बनाकर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इनको बस इस वीडियो के थ्रू या इस स्टेटमेंट के थ्रू बहुत ही गरीब मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के विषय में सुने होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहे हैं ये जाति। ना सिर्फ पहाड़ों पर जंगलों में लकड़ियों के हैंडीक्राफ्ट बनाती रही है बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफ़ी एक्टिव रही है। और अब आते हैं सवाल के जवाब की तरफ कि क्या केरल में पहाड़िया खटीक पाए जाते हैं। तो मैं अपने मित्र को बता दूं कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि खटीक जाति का जो डेटा सर्वे भारतीय संविधान में लिखा गया और जो भारत सरकार ने डेटा उपलब्ध कराया है उसके अनुसार पर खटीक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जान लीजिए आप, हमारे खटीक भाई लोग गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाए जाते हैं। ये डेटा तो हमें भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है तो इस डेटा में केरल का नाम नहीं आता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, आज खटीक भाई इस ग्लोबलाइजेशन के युग में दुनिया के हर कोने में पहुँच चुका है, तो संभव है कि वो केरल में भी पहुंच चुका होगा। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।